नमस्ते, मैं हूँ सिवाना। आपका स्वागत है मेरे चैनल होममेड खाना विद सिवाना में। सबसे पहले तो मैंने आपको उषा फूड प्रेशर FP3810 का जो है मैंने अमेजोन से ख़रीदा था, तो उसका मैंने रिव्यू दिया था आपको, अनबॉक्सिंग करके दिखाया था, जो जिसका वीडियो लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अभी भी मिल जाएगा। तो ये जो उषा फूड प्रोसेसर मॉडल नंबर FE3810 जो मैंने मंगवाया था, तो उसमें अगर कोई समस्या आती है, कुछ महीने के रिव्यू के बाद भी मैं आपको वीडियो देती रहूँगी, ऐसा मैंने आपको प्रॉमिस किया था। तो उसी हिसाब से मैं आपको इसमें फंक्शनिंग करके भी बताती हूँ टाइम टाइम में, और प्लस इसमें क्या क्या ख़राबी आती है, समस्या क्या आती है, वो भी मैं बता रही हूँ। उषा फूड प्रोसेसर को मैंने यूज़ करना शुरू किए लगभग 2 महीने हो गए हैं, और 2 महीने में ये 2 बार ख़राब हो गया है। अब क्या क्या समस्या आई और मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है, वो भी मैं आपको वीडियो के दौरान बताऊंगी। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए तो पैशनफुली देखिएगा कि मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रही हूँ। मैंने जो गलती की है आप उस गलती को मत कीजिएगा, ठीक है। इसका जो पार्ट्स है ये निकल गया था, ये देख सकते हैं जो बाउल में ये यहाँ, ये देखिए ये जो है ना यहाँ पे दिख रहा है ना, अभी ये जो ऑलरेडी ये दो कैसे है मैं बताती हूँ आपको। ये वाला जो है ना ये ख़राब हो गया। तो हुई क्या गलती, क्या हुई कि जैसे ही मुझे ना इस फूड प्रोसेसर के डेली यूज़ करना पड़ता है, तो मुझे बहुत ज़रूरी, इस फूड प्रोसेसर के बगैर मैं काम नहीं कर पाती हूँ, इसलिए मैंने ये बाउल, बड़ा बाउल वाला फूड प्रोसेसर ये जो मंगवाया था, क्योंकि मुझे उसी तरह के काम घर में लेने पड़ते हैं। तो हुआ क्या, पहली बार जब ये ख़राब हो गया, एक्चुअली बाउल में कुछ भी नहीं चल रहा था, चॉपर, आटा नीडिंग, कुछ भी, ये जो है ना ये सब चीज़ें घूम ही नहीं रही थी, आप समझ सकते हो। मोटर हमारा ठीक है, कुछ नहीं हुआ है, तो इसमें कुछ भी करो, चॉपिंग, स्लाइसिंग, कोई भी पार्ट घूम ही नहीं रहा था, इवन आटा भी गूंद नहीं रहा था, चल ही नहीं रहा था। तो यही सब समथिंग ख़राब हो गया था, तो मुझे चाहिए था तुरंत के तुरंत। सर्विस सेंटर वाले को फ़ोन किया मैंने, तो सर्विस सेंटर वाले ने बोला 4-5 दिन आराम से लग जाएंगे, तो 4-5 दिन की जगह 6-7 दिन भी लग सकता है। तो सर्विस सेंटर जो है, देखिए मेरा तो कोल्हापुर सिटी में, कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट में है, तो यहाँ पे इस तरह का चीज़, उषा वगैरह इनकी रिपेयरिंग वगैरह हो गया, इसका पार्ट्स वगैरह नहीं मिलता है। तो मैं एक बार यही आपको फिर से बोलूँगी कि अगर आप ऑनलाइन मंगाते हो कोई चीज़, तो ये ज़रूर आप श्योर कर लेना कि आपके इलाके में सर्विस सेंटर है कि नहीं, तुरंत के तुरंत 1-2 दिन में आते हैं कि नहीं, ये चीज़ ज़रूर श्योर कर लेना है। क्योंकि दिल्ली, मुंबई, पूना ऐसे में रहते तो आसानी से आपको ये सब चीज़ें तुरंत के तुरंत करवा के मिल जाएगा, लेकिन मेरे सिटी में पूना से आते हैं सर्विस सेंटर वाले, ठीक है। तो इस चक्कर में मैंने गलती क्या की कि मैं मिक्सर वगैरह जहाँ पे बनाते हैं वहाँ पे मैंने मेरे इस बाउल को, पूरा सेट को बनाने को दे दिया, ठीक है। यही गलती हुई मेरी, जो कि मुझे बाद में पता चला। तो मुझे तुरंत के तुरंत चाहिए था, मेरा पूरा काम रुक जाता, मेरे शॉप के काम रुक जाते। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि मैंने सोचा अब ये सर्विस सेंटर वाले तो जो है तुरंत आने वाले नहीं है, 6-7 दिन आराम से लगाएंगे। तो मैंने मिक्सर वाले से पूछ लिया जो ये सब काम करते हैं, हालांकि फूड प्रोसेसर और मिक्सर अलग चीज़ है, ये चीज़ भी हमें ध्यान देना रहता है। तो मैंने गलती क्या की, उसे पूछ लिया कि आप बनाते हो क्या, तो उसने बोला लाओ। तो लाने के बाद मैंने भेज दिया ये सारा, ये बाउल, चॉपर, ये सब भेज दिए। भेजने के बाद उसने बनाया, बना के दिया, पता नहीं क्या किया, उसने भी 6-7-8 दिन आराम से रख लिया। मुझे नहीं पता था कि वो 6-7 दिन रखेगा, मुझे क्या लगेगा आज के आज या ज़्यादा से ज़्यादा कल तक बना के देंगे। उसने बोला भी था कि कल तक बना के आपको मिल जाएगा, लेकिन उसने रखा 6-7-8 दिन तक रखा। तो जबकि 8 दिन में तो सर्विस सेंटर वाले भी आराम से आके बना देते हैं, ठीक है। तो यहीं पर गलती हो गई कि मैंने रिपेयरिंग करने के लिए दे दिया, तो रिपेयरिंग करने वाले ने क्या किया, पता नहीं उसने क्या किया, इसमें इसी चीज़ को, देखिए ये बाद में मैंने, बाद में दूसरी बार में, पहली बार की बता रही हूँ, दूसरी बार में निकाला है, दूसरी बार जब ख़राब हुई थी, तो इसी चीज़ को यहाँ पे चिपका उपका के फेपिकोल लगा के कैसे क्या क्या करके दिया। तो घर लाने के, और उसने ऊपर से 500 रुपये ले लिए, ठीक है। तो मुझे समझ में नहीं आया कि उसने कौन सा पार्ट चेंज किया, मुंबई से पार्ट मंगाना पड़ेगा, ये करना, अब ये थोड़ा सा फ्रॉडी टाइप का काम हो गया। लेकिन हमें समझ में नहीं आता कि क्या चेंज किया क्या नहीं चेंज किया, खैर छोड़ो वो सब चीज़ें। तो उसने 500 ले लिए और घर मिक्सर, ये फूड प्रोसेसर लाई तो चला, 2 दिन आराम से चला।
फिर 2 दिन में वापस खराब हो गया, जैसे का जो समस्या पहले थी, यानी फिर से चॉपर नीडर आटा नीडिंग कुछ भी नहीं चलने लगा। तो फिर मैंने वापस से उसको दिया, अब उसने बनाया है ठीक करके देगा। तो उसने 2 दिन 3 दिन 4 दिन करके 4-5 दिन रखा। तो उस तो अच्छी बात क्या हुई, मैंने सर्विस सेंटर वाले को भी फ़ोन किया था, उसके बनाने से पहले ही सर्विस सेंटर वाले 5 दिन 4-5 दिन में आ गए, पूना से आते हैं यहाँ पे, तो वो आते आते आ गए। तो मैंने क्या किया, उसने तो ऑलरेडी बनाया नहीं था, तो मैंने जो है ये फूड प्रोसेसर वहाँ से मंगवा लिया और सर्विस सेंटर वाले को दिखाया। दूसरी बार क्या हुआ था, तो ये पार्ट्स ही निकल गया था, देखिए इस तरह से निकल गया था। अब ये आप दूसरा देख रहे हो, तो मैं बताती हूँ आपको, बताती जाऊँगी ध्यान से, इसलिए मैं बोल रही हूँ पैशनफुली वीडियो देखे। जिन्होंने भी फूड प्रोसेसर खरीदा है उसको बहुत काम आ सकता है, ठीक है। तो पहली बार में मैंने 500 रुपये दे के बनाया, उसने रिपेयरिंग वाले ने कैसे क्या करके बनाया मुझे नहीं पता, थोड़ा सा फ्रॉडी काम लग रहा है मुझे, ऐसे ही उसने मुझे लूट लिया। तो दूसरी बार में ये निकल गया था। तो फूड प्रोसेसर वाले बहुत सारा फ़ोन वोन कॉल करके बहुत ही मेहनत के बाद घर आए, घर आने के बाद ये भी मैंने उस रिपेयरिंग सेंटर से मंगवा लिया ये। तो मंगवाने के बाद उसने देखा, देखते ही बोला, अरे मैडम ये तो आपका बाउल अब चेंज करना पड़ेगा, यानी कि पूरा को पूरा फूड प्रोसेसर बाउल जो है चेंज करना पड़ेगा, अब किसी काम का नहीं है, ठीक है। हालांकि मुझे 2 महीने भी नहीं हुए हैं इस फूड प्रोसेसर को यूज करते हुए, तो मुझे बहुत बुरा लगा। अब आप जानते हो ये फूड प्रोसेसर बाउल का कीमत कितना है। और दूसरी बात क्या है, मुझे क्या लगा था कि हर प्रोडक्ट में हर चीज़ में वारंटी मिलेगी 2 साल तक। तो यहाँ पे एक आप भी सजग हो जाए, आप जो भी व्यूअर देख रहे हैं मुझे, तो हमें लगता है कि हमें सारे चीज़ों में हमें वारंटी मिल जाएगी। तो उस सर्विस सेंटर वाले ने बोला मुझे कि नहीं, आपको मोटर में वारंटी मिलती है, प्लास्टिक की चीज़ों में वारंटी नहीं मिलती है। तो ये चीज़ मुझे बहुत बुरी लगी कि हमें प्रोडक्ट एक्सचेंज करके नहीं दे रहे हैं, हमारे सर्विस जो भी पार्ट्स हमें चेंज करते हैं उसका हमें पैसा देना पड़ रहा है, ठीक है। और शायद ये भी है कि कोई भी पार्ट चेंज होता है सर्विस सेंटर वाले उसका पैसा लेंगे, उन्होंने मुझे ऐसा बोला। तो ये दूसरी तीसरी बात आप भी आप नोट कर लीजिए, ठीक है। जो भी पार्ट चेंज होगा उसका पैसा वो लेंगे, हमें लगेगा कि फ्री में कर देंगे। हाँ शायद वो बनाने का, सिर्फ बनाने का पैसा नहीं लेंगे, लेकिन जो भी पार्ट्स वगैरह चेंज होगा लेंगे। तो उसने उन्होंने बोला कि ये पूरा, 2 लोग आए थे मेरे पास, तो उन्होंने बोला कि ये पूरा बाउल ही चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो घूमने का जो है ना मोटर में ऐसे फिट करते हैं इस तरह से, ये जो है यहाँ पे मोटर में हम देख सकते इस तरह से फिट करते हैं, तो फिट करने के बाद ही यहाँ पे ये जो है यहाँ पे लॉक होता है, फिर उसके बाद हमारा मोटर घूमता है। तो यही चीज यहाँ पे खराब हो गई थी। तो ये चीज खराब होने की वजह से आपको पूरा का पूरा ये जो है बाउल चेंज करके लेना पड़ेगा, दूसरा लेना पड़ेगा, ये जो बाउल अब किसी काम का नहीं है, ऐसा बोला हमारा पुराना बाउल, ठीक है। तो ये क्या हुआ, तो मैंने बोला ये पार्ट चेंज कर दो ना सर। तो हुआ क्या, मैंने जो रिपेयर करने दिया था ना जिसको, उस इंसान ने क्या किया, थोड़ा सा फ्रॉडी काम किया। यहाँ पे क्या किया, उसने थोड़ा सा सुपर ग्लू लगा के चिपकाया था, जिसकी वजह से, चिपकाने की वजह से ये एकदम कड़क हो गया है ना, ये ऐसे एकदम स्मूथली घूमना चाहिए था, ठीक है। तो उसने कुछ तो फ्रॉडी टाइप काम किया जिसको मैंने रिपेयर करने को दिया था। तो उसने यहाँ पे इसको ऐसे कैसे तो चिपका उपका के, यहाँ पे ग्लू भी देख सकते हैं आप, ये देखिए शाइनिंग कर रहा है, उसने ग्लू चिपकाया था जो कि बिल्कुल नहीं करना चाहिए था, इसे चिपकाया था। तो मैंने 2 दिन जो मिक्सर चला है उसके टाइटनिंग की वजह से, ग्लू की वजह से वो फोर्सफुल्ली प्रेशर में आके वो ये टूट गया, ये चीज़ टूट गया, निकल गया, इसीलिए निकल गया। मुझे किसने बताया, मुझे तो ये सब चीज़ें समझ में नहीं आएंगी हम लोगों को, तो ये सब चीज़ें मुझे सर्विस सेंटर वालों ने देखते ही बता दिया। तो उन्होंने बोला कि आपको नहीं देना चाहिए था, रिपेयरिंग सेंटर वाले को नहीं देना चाहिए। तो यहाँ पे सबक क्या मिलती है हमें, कि आपका फूड प्रोसेसर अगर आप मंगवाते हो तो कभी भी किसी भी ऐरे गहरे को नहीं देना चाहिए, कि भी किसी भी रिपेयरिंग सेंटर को नहीं देना चाहिए, स्पेशली अगर वो इसी ब्रांड का फूड प्रोसेसर चेक करता है, वो सर्विस करता है, तो ही आप सोच समझ के देना चाहिए। तो ये सबक मैंने सीख लिया है। अब मुझे 10 दिन लग जाए, 1 महीना लग जाए, मैं रिपेयरिंग सेंटर को नहीं दूंगी, क्योंकि मेरा पूरा नुकसान हो गया, तकरीबन 2000 मेरे फोकट में गए, ठीक है। कैसे क्या मैं आपको बताती जाऊँगी, मेरी गलती के कारण, वो रिपेयरमैन के घटिया सर्विस के कारण, ठीक है। तो उसने ये चिपका दिया था ग्लू वगैरह टांस के, तो ये इसकी फोर्सफुली ये टूट गया, जिसकी वजह से हमारा बाउल में कुछ भी फंक्शन नहीं हो रहा था, चॉपर आटा नीडिंग कोई भी ब्लेड घूम नहीं रहा था।
तो उन्होंने फाइनली क्या बोला, ये चेंज नहीं कर सकते, ये टूट गया है, सुपर ग्लू लगाने की वजह से टूट गया। अगर सुपर ग्लू नहीं लगाया होता तो यहाँ पे हम किसी तरह से ये पार्ट चेंज कर देते। तो ये जो है पहली बार मैंने इस तरह का प्रॉब्लम पहली बार फेस किया है, बोल के सर्विस मैन ने भी बोला। अब मेरे पास ऑप्शन कुछ नहीं था, क्या करें। तो उन्होंने बोला कि मैं आपके पास बॉल ही चेंज करना पड़ेगा मैडम। तो उन्होंने बोला मैं आपको पूना जाके बाउल जो है कुरियर कर देता हूँ, आप इतना इतना पैसा दे दो, ठीक है, इतना इतना पैसा दे दो, उन्होंने बोला। तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, या फिर ऐसे रखो पड़ा पड़ा, क्योंकि फूड प्रोसेसर मिक्सर तो मेरे पास भी है चटनी वटनी बनाने के लिए दूसरा, तो फूड प्रोसेसर इस बाउल के बगैर तो बेकार है। तो क्या, तो बाउल तो चाहिए ही मुझे इसी बाउल के लिए, तो हमने ये फूड प्रोसेसर जार के लिए तो हमने ये फूड प्रोसेसर 9-10 हज़ार डाल के ख़रीदा था, है ना। तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो ठीक है मैं भेज दीजिए बोला मैंने। तो उन्होंने बोला कि पैसे आप कुरियर होने के बाद दे देना। तो ये चीज़ अच्छी लगी कि कुरियर होने के बाद पैसे दे देना। तो वो जो बाउल है पुराना बाउल, ये नया बाउल है, अब पता चला आपको ये दो मेरे पास ऐसे कैसे थे। तो ये नया बाउल है जो कि कुरियर हो के आ चुका है। तो सर्विस सेंटर वाले जो पूना से आए थे उषा का, तो उन्होंने ये जो है पुराना बाउल मेरा लेके गए विदाउट ढक्कन। हाँ यहाँ पे ढक्कन है, थोड़ा सा घर में सामान फैला हुआ है, काम काज चल रहा है, सॉरी फॉर उसके लिए सॉरी। ये देख रहे थे फूड प्रोसेसर ख़राब था, तो मैंने इस ग्रेटर से काम लिया था। देखिए ग्रेटर भी बहुत अच्छा है, मैंने डीमार्ट से लिया था ओनली 130 रुपीज़ में, आप चाहे तो ले सकते हैं, अच्छा खासा। उन्होंने मुझे ये वाला भिजवा दिया कुरियर करके, और तकरीबन 4-5 दिन में ये कुरियर आ भी गया, ठीक है। लेकिन समस्या क्या हुई, मेरा जो बाउल था 2.4 लीटर का था, और उन्होंने भेज दिया 2 लीटर का, 2 लीटर का, ये देख सकते हैं आप, दिख भी रहा है ना। अब मैं क्या करूँ, कुछ कर भी नहीं सकती ना, मुझे काम करना है, ये तो इधर मिलता भी नहीं मेरे एरिया में, इसलिए मैं बोल रही हूँ आपके एरिया में ये सब चीज़ें मिलते हैं, पार्ट्स मिलते हैं, नहीं मिलते, सर्विस सेंटर है नहीं, वो सोच के ही आप ऑनलाइन मंगवाइएगा, नहीं तो आप लोकल प्रोडक्ट ही मंगवा लीजिए। मैं थोड़ा सा पछता रही हूँ तो नहीं बोलूँगी, थोड़ा सा मुझे रिग्रेट फील होता है कि मैं शायद प्रीति का ले लेती, जो कि यहाँ पे सर्विस सेंटर वगैरह भी है, और वो फुल स्टील का होता है, और इस प्लास्टिक में कोई वारंटी गारंटी नहीं है, नहीं दिया। तो ये सब चीज़ें मुझे हालांकि वहाँ पे सब लिखा था डिटेल में, और उसमें भी बॉक्सेस में भी प्रोडक्ट में भी लिखा था ऑन वारंटी 2 इयर्स बोल के सब लिखा था, लेकिन उसके बावजूद भी हमें कोई फैसिलिटी नहीं मिली। तो ये चीज़ मुझे बहुत बुरी लगी, तो यही चीज़ें ख़राब थी। तो यही सबक मैं सीख लिया, और आप भी सीख लीजिए कि आपका फूड प्रोसेसर अगर ख़राब होता है, कितनी भी व्यवहार ख़राब हो, आप प्लीज़ दूसरे एरे गेरे को, किसी भी रिपेयरिंग सेंटर को, लोकल में किसी को भी बिना जाने ये कैसा काम करता है कुल मत दीजिएगा। इस तरह से ख़राब करके वो पैसे कमाने के चक्कर में दे देते हैं, मेरा ख़राब करके दे दिया। तो शायद मैं सर्विस सेंटर वाले का इंतज़ार करती तो वो ये पार्ट्स कुछ तो चेंज करके बना के दे देते, मेरा इतना खर्चा नहीं आने वाला था, थोड़ा थोड़ा खर्चा होने वाला था। लेकिन अब क्या करें, वो मेरी गलती यही हुई कि मैं जल्दबाजी के चक्कर में, मुझे जल्दी काम लेना है उसके चक्कर में, मैंने रिपेयरिंग सेंटर में दे दिया, जहाँ पे मिक्सर वगैरह बनाते हैं, बर्तन वगैरह बनाते हैं, वहाँ पे दे दिया, और जिसकी वजह से उन्होंने ग्लू व्लू चिपका के, जिसकी वजह से ये और ख़राब करके दे दिया मेरा मिक्सर, जिसकी वजह से दूसरी बार भी ख़राब हो गया। और 500 रुपये तो मैंने उस रिपेयरिंग वाले को लोकल को दे दिया, और दूसरी बात ये 1450 रुपये का जार मुझे पड़ा, यानी कि 1350 समथिंग 100 रुपये उन्होंने लिए, और ऊपर से 150 समथिंग उन्होंने कुरियर चार्ज लिया। तो 1450-1500 रुपये मैंने इस जार का ओवरऑल टोटल पे किया है 2 लीटर जार का, ठीक है। अगर आप लोकल में मिलता है तो लोकल में डायरेक्ट जाके ख़रीदते हो तो थोड़ा और महंगा पड़ेगा, मुझे कंपनी ने डायरेक्ट भेज दिया है सर्विस मैन वाले के थ्रू, तो शायद इसकी वजह से मुझे थोड़ा कम पड़ा। पहली बात तो आप किसी को भी बिना सोचे समझे, आपका ये अगर आपने ऑनलाइन मंगाया है या फिर लोकल में भी ख़रीदा है, तो आप बिना सोचे समझे सर्विस सेंटर, इसी के सर्विस सेंटर को छोड़ के आप किसी को भी बनाने मत दीजिएगा, ठीक है। तो यही गलती हो गई मुझसे, और मेरे 2000 रुपये नुकसान हो गए, 500 रुपये रिपेयरिंग वाले ने लिया, 1500 रुपये इसका जार। हालांकि ख़राब नहीं होता, सिर्फ इसकी कारण, ये टूटने के कारण मुझे पूरा का पूरा जार बदलना पड़ा, पुराना जार वो लेके गए, नया जार मुझे उन्होंने भिजवा दिया। और ये रही ढक्कन, ये ढक्कन तो पहले का ही है, ये इसमें फिट आता है और अच्छे से चल रहा है। तो अभी इसको मुझे लाए हुए 4-5 दिन हो गए और काम कर रहा है,
अब मुझे डर लगता है फूड प्रोसेस चलाने की भी जरूरत, डर लगता है कहीं बिगड़ ना जाए, लेकिन क्या करें, काम तो करना पड़ेगा। अब मैं काम कर रही हूँ, आगे क्या कैसा होता है, कहीं कुछ और प्रॉब्लम तो नहीं आती है, मैं आपको ज़रूर बताती जाऊँगी। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको शेयर कर दिया है। 2 महीने बाद ही, फूड प्रोसेसर यूज़ करने के 2 महीने बाद ही मुझे ये सब समस्याएं आई हैं। सकते हैं अगर इनके किसी कारण ये पास निकलता है या चॉपर नहीं घूमता है, आटा नीडिंग का, चॉपिंग का, स्लाइसिंग का, अगर जो ब्लेड है नहीं घूमता है, ध्यान से सुनिए, ऐसा हुआ तो समझ लेना यहाँ पे कुछ खराबी हुई है। तुरंत के तुरंत सर्विस सेंटर वाले को फ़ोन कीजिए, वो जब तक आते नहीं हैं, आप वेट कीजिए, पेशेंसफुली धैर्य रख के वेट कीजिए और उन्हीं से बनवाइएगा। और गलती से भी मेरी वाली गलती आप मत कीजिएगा। हाँ, अगर उषा के ब्रांड वाले आपके लोकल एरिया में ही है सर्विस देने वाले, तो ज़रूर वहाँ आप जा सकते हैं, लेकिन किसी ऐरे गहरे रिपेयर सेंटर में मत दीजिएगा। जो गलती मैंने की है आप मत कीजिएगा। तो वीडियो कैसे लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, तो आगे जाके भी मैं जो भी समस्या आती है मैं आपको ज़रूर बताती जाऊँगी। ये थी उषा फूड प्रोसेसर FE3810 मॉडल नंबर की समस्या जो मैंने दूसरी बार फेस की है। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, इतनी सारी बातें करनी भी ज़रूरी थी, वरना आपको समझ में कैसे आता अगर डिटेल में नहीं बताते हैं। कोई भी इंक्वायरी हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आगे भी जाके क्या क्या समस्याएँ आती हैं मैं बताऊँगी और इससे हम और भी काम कैसे लें मैं ज़रूर बताऊँगी। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। टिल देन सी यू, बाय बाय, जय शंभू, हर हर महादेव।